हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में नए सिलेबस में ऐड हुआ है, जिसका नाम था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको हम लोग प्यार से सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा था, फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सीखा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होती, राइट। अच्छा, इसके अलावा हमने ये बोला था कि भाई ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, ये स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम, रिसोर्सेस या नॉलेज नहीं होती डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। इसके अलावा इस चैप्टर में कवरेज थोड़ी वाइड है। यहां पे हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स देखते हैं, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखते हैं, जहां पे हमारे रिकॉर्ड्स तो थे लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गए, मानो आग लग गई या चोरी होके, मतलब कोई इंप्लॉय या अकाउंटेंट चोरी करके चला गया। इस तरह के सिनेरियोज में भी ये चैप्टर लग जाता है। अब नॉर्मली बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं, जैसे कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस का अपना एक करंट अकाउंट होता है, यानी बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक से स्टेटमेंट मिल जाती है, बैंक से पासबुक मिल जाती है, उससे कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। इसी के हिसाब से, इसी बेसिस पे बच्चों, हमने बोला था सिंगल एंट्री सिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, तीसरा होता है क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग पर्सनल अकाउंट सिर्फ मेंटेन करते हैं। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ कैशबुक भी मेंटेन किया जाता है। और फाइनली क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स, कैशबुक और साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन की जाती है। अब हमने बोला था कि भाई इस पूरे चैप्टर में प्रैक्टिकली हमें सिर्फ दो मेन कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। पहला होता है एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बाय कैपिटल कंपैरिजन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी जहां पे हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बोला जाता है, या फिर नेटवर्थ मेथड भी बोला जाता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको करना होगा, या दूसरा जो आपका क्वेश्चन की वैरायटी बनेगी इसमें, वो होगी जिसमें आपको पूरे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब यहां पे भी वैसे बच्चों वही होता है जो आप अपने नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ते हो, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड फॉलो किया था। इसमें हमने देखा था कि एक सिंपल सा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, इसमें ड्रॉइंग्स ऐड कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल लेस कर देते हैं और ओपनिंग कैपिटल भी लेस कर देते हैं। ये सब प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट या लॉस की फिगर आ जाती है। आंसर अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है, नेगेटिव में आता है तो लॉस होता है। अब इस मेथड में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्ड क्यों यूज करते हैं बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यूज किया जाता है टू कैलकुलेट कैपिटल। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इस मेथड में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है, दोनों भी मिसिंग है, या दोनों में से कोई एक मिसिंग है, तो उस केस में हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता है, जिसमें कैपिटल की जो फिगर होती है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल जाती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग बेसिकली एक बैलेंस शीट की तरह ही बनाते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो बैलेंस शीट की तरह ही होता है, लेकिन मैंने आपको क्लियर किया था कि आप बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं करोगे एग्जाम में, कभी भी यहां पे बैलेंस शीट वर्ड मत यूज करना, लेकिन मन ही मन सोचना कि आप बैलेंस शीट ही बना रहे हो। तो बैलेंस शीट मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो यहां पे बनाते हैं हम लोग, उसमें वही एसेट्स और लाइबिलिटीज डाल देते हैं, जो जो भी एसेट्स की फिगर हमारे पास है सारी डाल देते हैं। सिमिलरली जो जो भी लाइबिलिटीज की फिगर है वो हम डाल देते हैं। हमको पता है कि दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी साइड में कैपिटल की जो फिगर होती है वो एज बैलेंसिंग फिगर बच जाती है, ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग डेट पे भी बन सकता है, ओपनिंग डेट पे भी बन सकता है, दोनों डेट पे भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, और दोनों भी नहीं है
तो फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनाना पड़ेगा। तो इसी पे इर्द गिर्द मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट है, अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो अल्टरनेटिवली आप सिंपल सा एक कैपिटल अकाउंट बना के उसमें भी प्रॉफिट या लॉस की जो फिगर होती है वो मिसिंग फिगर के तौर पर निकाल सकते हो। तो एक छोटा सा जो पहला इलस्ट्रेशन वन किया था हमने, उसमें दोनों भी तरीके से हमने करके देख लिया था। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बना लिया था और उसी के काम को हमने कैपिटल अकाउंट बना के भी कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने और दो तीन क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करी थी। चलो, तो ये मोटा मोटा हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों कर लिया था। अब बिफोर मैं अपने नए कॉन्सेप्ट में बढ़ू बच्चों, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूं आपके स्टडी मटेरियल में। तो आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर आना आप 9.9 पे, तो पेज नंबर 9.9 पे आपको डिफरेंस दिखेगा बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। ये मेरे ख्याल से बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे आप 4 to 5 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपसे भी डिफरेंस मांग लेगा कि बताओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्विकली हम एक बार रीड कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना। तो देखो दोनों भी टर्म्स के बीच में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट के बीच में डिफरेंस दिया गया है और डिफरेंस का बेसिस भी बताया गया है। तो कुल मिला के कितने 5 डिफरेंस है। तो पहला है सोर्स, बेसिस है सोर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यहां पे लिखा है कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्टली रिकॉर्डेड अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग, पार्टली अंडर सिंगल एंट्री, एंड मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स अजम्पशंस इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम मेमोरी रादर देन रिकॉर्ड्स। मतलब इतनी बड़ी कथा का मतलब क्या है कि यहां पे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाते हैं, मतलब जो हमारे पास आधी अधूरी रिकॉर्ड है उसी से निकाल निकाल के हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो यहां पे जब हम एसेट्स डालते हैं तो जरूरी नहीं ये सारी एसेट्स आ रही हैं, कुछ एसेट्स जिनकी रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उन्हीं की जानकारी हम लोग डालते हैं, है ना। जो भी एसेट्स की फिगर हम लेते हैं वो अंदाजे से लेते हैं। कोई हमारे पास देखो हमने कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं मेंटेन कर रखी, कुछ नहीं कर रखा, तो हम अपनी मेमोरी के हिसाब से अपने अंदाजे से हम लोग अपनी एसेट्स की फिगर डाल देते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, जो मैं लैपटॉप यूज करता हूँ ये कई साल पुराना लैपटॉप है, जब मैं खुद स्टूडेंट था उस टाइम का लैपटॉप है जो मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। तो आज अगर मैंने मुझसे कोई पूछेगा कि बताओ ये लैपटॉप आपने कितने पे खरीदा था, तो मुझे याद थोड़ी है क्योंकि मैंने इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया, मैंने कोई अकाउंटिंग करी नहीं थी जब मैंने लैपटॉप लिया था। तो मैं लैपटॉप बोलूंगा अंदाजे से कि यार अंदाजे से 60-70 हज़ार रुपए का कुछ लैपटॉप मेरा था। तो ये क्या मैं कर रहा हूं, मैं अपनी मेमोरी से अंदाजा लगा के बता रहा हूं कि मेरी लैपटॉप की इतनी कीमत है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में भी यही होता है, जब हमारा बिजनेसमैन हमें हमारे पास आके हमसे बोलता है कि हमारा प्रॉफिट या लॉस निकालो तो हम उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो हम एसेट की फिगर डालते हैं वो कोई एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर नहीं डालते हम, वो हम अंदाजे से डालते हैं कि भाई हमारा क्लाइंट जो हमको बता रहा है फिगर वो हम उठा के डाल देते हैं, ठीक है जी। वहीं आप बैलेंस शीट की बात करो, बैलेंस शीट तो आपने बचपन से देखी है, बनाई भी हुई है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो बैलेंस शीट किसका आउटपुट होता है, प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम में जो आप अकाउंटिंग करते हो उसका आउटपुट होता है बैलेंस शीट। तो यहां पे जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज डालती है वो कोई अंदाजे से नहीं डालते हम लोग, उसके हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं, किताबें होती हैं, हमारे पास पूरा ट्रायल बैलेंस होता है जो हमने अपनी जर्नल एंट्रीज लेजर्स के हिसाब से बना रखा होता है। तो यह हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स को यूज करके अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इसी रीजन से बच्चों मैं बार बार आपको पुश कर रहा था, बार बार आपको याद दिला रहा था कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस शीट से इंटरचेंज नहीं कर सकते, दोनों अलग चीज है। इसी प्रकार से अगला बेसिस ऑफ डिफरेंस है कैपिटल। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का बच्चों क्या यूज होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का सिर्फ एक यूज होता है, वो है कैपिटल निकालना। आप अपने क्वेश्चंस में भी देख चुके कि हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है, तो बस वही कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, इसके अलावा उसका कोई और पर्पस नहीं होता। यही बात यहां पे लिखी है, इन दिस स्टेटमेंट कैपिटल इज मियरली अ बैलेंसिंग फिगर Being excess of assets and liabilities, वही मतलब जो बात हम balancing figure में बोलते हैं। Hence assets need not be equal to liabilities. Of course, जब capital आप balancing figure निकालोगे तो आपका statement of affair में आप खाली asset और liability डालोगे तो match नहीं करेगा, क्योंकि balance जो बचेगा वो capital होगा, ठीक है।
वहीं बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं भाई, बैलेंस शीट में हमें कैपिटल की फिगर ऑलरेडी पता होती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कैपिटल क्या है। अगर आपने सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, उसमें आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, तो कैपिटल की फिगर आपको पता थी। आप ओपनिंग कैपिटल लेते हो, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो, ड्रॉइंग्स अगर है वो माइनस करके फाइनली क्लोजिंग कैपिटल बाहर निकल लिखते हो। तो यहाँ पे कैपिटल इज डिराइव फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द लेजर, मतलब कैपिटल का एक अपना लेजर प्रिपेयर होता है जिसमें क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। एंड देयरफॉर द टोटल ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड। मतलब वहां पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो आपकी बैलेंस शीट अपने आप टैली कर जाती है। उसके बाद अगला बेसिस है ओमेशन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा है, सिंस दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इफ ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की कोई रिकॉर्ड नहीं, जानकारी नहीं, जो सिर्फ हमारे मेमोरी में है, जो हमारे पास कच्ची कच्ची किताबों में वही है। तो यहाँ पे अगर कोई एसेट ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लीटनेस नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एसेट्स डाल रहा हूं तो जरूरी नहीं कि मैं सारे एसेट्स डाल रहा हूं, वहां पे कोई एसेट्स की ओमिशन हो सकती है, सिमिलरली लाइबिलिटीज की ओमिशन हो सकती है। बात समझ में आ रही है? रीजन क्या है? रीजन घुमा फिरा के वही है, क्योंकि सारा काम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हो रहा है, आधी अधूरी जानकारी से हम लोग बना रहे हैं। वहीं अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो क्या, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ एनी आइटम ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सिंस ऑल आइटम्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। क्योंकि यहां पे डबल एंट्री सिस्टम में सारी चीजें प्रॉपरली रिकॉर्ड होती है, हर चीज रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए यहां पे ओमिशन का कोई चांस नहीं होता। अगर कोई चीज ओमिट हो भी रही है तो आपने रेक्टिफिकेशन में पढ़ा होगा कि अगर कुछ ओमिट हो रही है तो आप ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कोई चीज ओमिट हो रही है, राइट। मोर ओवर इट इज इजी टू लोकेट द मिसिंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट विल नॉट एग्री। भाई बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपकी कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी है जो ओमिट हो गई है। ठीक है जी, फिर अगला है बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाते हैं, तो उसमें जो हम एसेट्स की वैल्यू डालते हैं, क्या वो कोई सिस्टमैटिकली कोई प्रॉपर वैल्यूएशन करके डालते हैं? नहीं, ये आर्बिट्री मैनर में डाला जाता है। आर्बिट्री मतलब ऐसी अंदाजा, जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि मैं बोल रहा हूं यार 10 साल पहले मैंने लैपटॉप खरीदा था, मुझे वैसे तो याद नहीं, अंदाजे से 70-80 हजार रुपए का या 60 हजार का लैपटॉप मेरा था, तो ये आर्बिट्री मैनर में अपने लैपटॉप की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देयरफॉर नो मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज डिस्क्लोज। भाई जब हमने कोई मेथड ही नहीं लगाया वैल्यूएशन करने का, तो कोई मेथड नहीं हम डिस्क्लोज करेंगे कि भाई हमने फलाना मेथड यूज किया। वहीं अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा तो बैलेंस शीट में क्या होता है, द वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज डन ऑन साइंटिफिक बेसिस, फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। अच्छे से पता है बात आपको, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग जैसे एसेट हम डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी WDV निकालते हैं। मतलब एक हम सिस्टमैटिक मैनर में हर साल अपने एसेट को डेप्रिसिएट कर करके ईयर एंड में बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू डालते हैं। सिमिलरली इन्वेंट्री, आपको पता है इन्वेंट्री को भी हम वैल्यू करते हैं प्रॉपरली, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। बात समझ में आ रही है? तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अपने बैलेंस शीट के नीचे मेथड ऑफ वैल्यूएशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, कि हमने एसेट जो फिक्स्ड एसेट है वो कैसे वैल्यू किया है, हमने अपनी इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया है, कौन सी कॉस्ट को हमने कंसिडर किया है अपनी एसेट की वैल्यू में, एंड सो ऑन। और इसी के ऊपर ऑफ कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी जैसे एसेट की वैल्यू कैसे निकालनी है, कैसे डिस्क्लोज करनी है, सब उसमें बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में इन्वेंट्री की कैसे वैल्यूएशन करनी है वो बताया गया है। आपने फीफो मेथड देखा है, आपने लीफो मेथड देखा है, आपने वेटेड एवरेज मेथड देखा है अपने इन्वेंट्री चैप्टर में। तो यहाँ पे सारी जो वैल्यूएशन हो रही है एसेट्स की वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो रही है। अगला है ऑब्जेक्टिव। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी कैपिटल की फिगर पता लग जाए, ठीक है, जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं। वहीं बैलेंस शीट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसमें हम कोई वैल्यू निकालते हैं, क्या कोई हम वहां पे मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं? नहीं, बैलेंस शीट बनाने का एक ही पर्पस होता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है किसी पर्टिकुलर डेट पे, ये हमें पता लग सके। ठीक है, तो बड़े बारीक डिफरेंसेस है दोनों टर्म्स के बीच में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आई बिलीव यहां से थ्योरी का क्वेश्चन इजीली बन सकता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया होगा।
कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से अब हम लोग अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो चलिए, तो आप अब सेकंड कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बच्चों, जो इस चैप्टर से बड़े मार्क्स के या ज्यादा वेटेज के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टॉपिक में से बनते हैं, यानी जिनमें आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है। तो क्या मतलब है इसका फाइनल अकाउंट्स बनाना? तो व्हाट डज फाइनल अकाउंट मीन? मीन फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड आर, एक बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हम बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो यही मजे की बात है बच्चों, कहने को तो ये दूसरा चैप्टर है आपका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जो यहां पे भी फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हो, ये वही वाले बनाते हो जो नॉर्मली सोल प्रोवाइडर बनाते हैं। लेकिन फर्क है दोनों में भाई, यहां पे जो हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और जो आप सोल प्रोवाइडर के फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? पूरा उस चैप्टर में जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो स्पेसिफिकली फाइनल अकाउंट्स का होता है, वहां प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बना रहे होते हो, यानी वहां क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर ट्रायल बैलेंस सब कुछ सिस्टमैटिक वे में गिवन होता है और साथ ही में आपको एडजस्टमेंट्स गिवन होती है जिसकी आप डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करके अगेन फिर से क्या बना करते हो, एडजस्टमेंट करके आप फाइनल अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज करते हो या उसको डालते हो। अब यहां पे भी आपको बनाना वही है फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना पड़ेगा या आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए। लेकिन अब यहां पे सिर्फ अब हमारे पास जो आधी अधूरी जानकारी होगी, इनकम्प्लीट जानकारी होगी, उसको यूज करके फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ट्रस्ट मी, वेरी इजी, इजी है, फ्री के नंबर है इस चैप्टर में, या आप मेरे से लिखवा लो फॉर कैलकुलेटिंग मिसिंग फिगर्स, फॉर कैलकुलेटिंग मिसिंग फिगर्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स। तो इस सवाल मतलब इस चैप्टर में होता क्या है कि आपके पास बहुत सारी मिसिंग जानकारी होती है, वही बात है ना, क्योंकि हमारे पास है रिकॉर्ड सारे इनकम्प्लीट, आधे अधूरे रिकॉर्ड है, हमारा क्लाइंट आके हमें आधी अधूरी जानकारी देगा, तो उस आधी अधूरी जानकारी को यूज करके हमें कुछ मिसिंग फिगर्स निकालने पड़ते हैं। अब वो देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि भाई क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या जानकारी है, अकॉर्डिंगली हमें क्या मिसिंग फिगर निकालनी है, उसमें आप रट के नहीं चल सकते। लेकिन मोस्टली आपको क्या अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, एक आपको बनाना पड़ सकता है कैश बुक, और कैश बुक क्या होता है आपको अच्छे से पता है, इसमें आप कैश एंड बैंक कॉलम बना सकते हो, यानी आप जो कैश बुक में जो चैप्टर होता है उसमें डबल कॉलम कैश बुक बनाते हो, उसी तरह का कैश बुक आप यहां बना सकते हो कैश एंड बैंक कॉलम के साथ, या फिर कभी कभी आप सीधा सीधा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है, वो मतलब आपके ऊपर है। अल्टीमेटली आपको अच्छे से पता है कि भाई कैश बुक भी जो बनता है वो दिखने में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, सेम वे में बनता है। इसी प्रकार से बच्चों एक अकाउंट जो कॉमनली बनाने की जरूरत पड़ सकती है वो होता है डेटर का अकाउंट। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि डेटर का अकाउंट कैसे बनता है, इसके क्या फॉर्मेट होता है, इनफैक्ट इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी है। अब हो सकता है कभी कभी आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना पड़े, कभी कभी इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है भाई, हमें क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या अकाउंट बनाने हैं। सिमिलरली एक होता है क्रेडिटर अकाउंट, यह भी आपको बनाना अक्सर पड़ता है और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको यह भी बनाना सिखाऊंगा कि यह कैसे बनता है,
और जब मैंने क्रेडिटर लिख दिया तो इसी के साथ हाथ पकड़ के एक और चलता है अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। ये भी आपको बनाना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि बनाना ही बनाना है, पड़ सकता है आपको। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपको बनाना पड़ सकता है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना आपको अच्छे से आता होगा अगर आपने डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रखा है, या फिर कोई और अदर अकाउंट एज पर रिक्वायरमेंट। कोई और क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, जो जानकारी है, उसके हिसाब से कोई और अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। मतलब कोई नियम नहीं कि भाई यही अकाउंट बनाने हैं। ठीक है। अच्छा, एक अब मैं आपके साथ जरा डिस्कस करूंगा कि डेटर अकाउंट कैसे बनता है। तो आप एक डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। हालांकि मैं मान रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि डेटर अकाउंट में कैसे कैसे चीजें आती हैं। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर एक एसेट होता है, तो एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां आता है, और क्लोजिंग बैलेंस यहां आता है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है। अच्छा, अगर क्रेडिट सेल होती है तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? तो मैं आपके सामने आ जाता हूं। क्रेडिट सेल की एंट्री मन में सोचो क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अकॉर्डिंगली डेटर अकाउंट में किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में। तो यहां लिख दो टू सेल्स क्रेडिट। खाली क्रेडिट भाई, कैश सेल नहीं आएगी इसमें। समझ आ रही है ना, डेटर कब आते हैं पिक्चर में, जब क्रेडिट सेल होती है। तो जो भी क्रेडिट सेल होगी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। अच्छा, जब क्रेडिट सेल हो गई तो हो सकता है सेल्स रिटर्न भी हो। तो सेल्स रिटर्न में क्या होता है, उल्टी एंट्री हो जाती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो अगर सेल्स रिटर्न है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है। या अकाउंट अकाउंट वर्ड लिखना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि यहां प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग तो हो नहीं रही, तो कोई अकाउंट होगा सेल्स रिटर्न का, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो खाली बाय सेल्स रिटर्न लिख दिया। अब डेटर से अगर मुझे कुछ पैसा मिला तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कैश रिसीव की एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, बाय कैश या बाय बैंक, जो भी पैसा मिला। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं अपने डेटर को। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इसको भी क्रेडिट साइड पर डाल देते हैं, बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी। इसके अलावा अगर डेटर मेरा कोई बिल एक्सेप्ट कर रहा है, यानी मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ रहे हैं, तो बीआर की एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपने सीख रखी होगी, एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो ये भी डेबिट साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे आ जाता है, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वहीं अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो वो डेबिट साइड पे आ जाता है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, यहां लिख देते, ये क्या है, बिल डिसऑनर। अगर कोई बैड डेट होता है तो बैड डेट की एंट्री हमने क्या सीख रखी है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली बैड डेट्स अगर हैं तो यहां आ जाता है, बाय बैड डेट्स। ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम अपने कस्टमर से, डेटर से इंटरेस्ट चार्ज कर देते कि भाई आपने पेमेंट लेट करी तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। भाई अगर डेटर टाइमली पेमेंट करता है, टाइम से पहले पेमेंट करता है, तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। वहीं अगर उल्टा डेटर या हमारा जो कस्टमर है वो पेमेंट लेट करता है, डिले करता है, तो कभी हो सकता है हम एज पर एग्रीमेंट उनसे इंटरेस्ट चार्ज करें। तो उस इंटरेस्ट की एंट्री होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है, तो इसकी पोस्टिंग भी डेबिट साइड पर आ जाती है, टू इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में जो भी चीजें होंगी अकॉर्डिंगली हमको वो डालना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जॉस्टिव वे में चीजें यहां पे लिख रहा हूं कि भाई ये चीजें यहां पे आती है। ठीक है। तो
ऐसे आपका बन जाता है डेटर अकाउंट पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी जानकारी होगी डेटर से रिलेटेड आप डाल दोगे, इनमें से कोई एक चीज मिसिंग फिगर होगी तो वो आपकी एज बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? यस। अगर हमें डेटर अकाउंट समझ आ गया तो हमें क्रेडिटर अकाउंट भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम लाइन पे हम क्रेडिटर अकाउंट भी बना के देख लेते हैं कि भाई साहब क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है। अब याद क्या रखना है, क्रेडिटर हमारी क्या है, एक लाइबिलिटी है। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है। चलो तो सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या सीख रखी है हम लोगों ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिट परचेज होती है तो क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाता है बाय परचेज। कौन सी परचेज भाई साहब, कैश परचेज मत ले लेना, ठीक है, सिर्फ क्रेडिट परचेज यहां पे आएगी। अब वहीं अगर जब मैंने परचेज कर दी तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है, तो परचेज रिटर्न कहां आएगा, डेबिट साइड पे, उल्टी साइड पे। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो अकॉर्डिंगली डेबिट साइड पे आ जाता है टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। इसी प्रकार से अगर हम क्रेडिटर को पैसा पे करते हैं, हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अकॉर्डिंगली हम लोग डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू कैश या बैंक, तो यहां पे पेमेंट आ गई। अगर हमें अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होता है, उसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो ये भी डेबिट साइड पे आ जाता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा, अगर हम कोई बिल एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिटर का कोई बिल हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे लिए वो बिल्स पेबल हो जाता है, तो बिल्स पेबल की एंट्री हमने सीखी हुई है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, तो उसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो अकॉर्डिंगली क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। वही अगर बिल्स पेबल, जो ये बिल पेबल है ये हम डिसऑनर कर देते तो उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो उसकी एंट्री होती है, मतलब उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे हो जाती है बाय बिल्स पेबल। तो ये भी लिख देते, ये अगर कोई बिल डिसऑनर हुआ तो। अच्छा, अगर हम अपने क्रेडिटर को टाइमली पे कर देते हैं या टाइम से पहले पे कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, कैश डिस्काउंट मिलता है, उसकी पोस्टिंग डेबिट साइड पे कर दी। अब उल्टा सिनेरियो कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम क्रेडिटर को लेट पेमेंट करें तो वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, तो जो इंटरेस्ट क्रेडिटर हमसे चार्ज करता है वो इंटरेस्ट हमारे लिए एक नुकसान होता है, खर्चा होता है, उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, और उसकी पोस्टिंग फिर हम लोग क्रेडिट साइड पे कर देते हैं बाय इंटरेस्ट चार्ज, है ना। तो ये वो इंटरेस्ट है जो हमें चार्ज करा गया, बस। तो ऐसा ही आपका बन जाता है क्रेडिटर अकाउंट और ये क्लोज हो जाता है। तो वही कहानी है भाई, आपको क्रेडिटर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आप उसको जानकारी को यूज करके क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, कुछ ना कुछ आपका मिसिंग फिगर निकलेगा। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर क्या मिसिंग फिगर निकलेगा, हमें कैसे पता लगेगा, वहां आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी भाई, थोड़ा तो दिमाग का काम लगा करना पड़ेगा, नहीं तो सीए के पेपर मुश्किल क्यों है, सीए के पेपर भाई क्यों टेक्निकल है, क्योंकि हमें अपनी माइंड अप्लाई करना पड़ता है। बट इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्लियरली कि अच्छा हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, सारी चीजें जो गिवन है हमने डाल दी, तो मिसिंग फिगर जो भी होगी क्या होगी वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी और वो आप एज बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्चुअली यही है, इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं बोलूंगा तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। या हमें क्या करना है, हमें तीन फाइनल अकाउंट्स बनाने, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट, और ये तीनों अकाउंट बनाने के लिए हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को यूज करके कभी कभी कुछ लेजर बनाने पड़ते हैं टू कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स, वो मिसिंग फिगर्स जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में यूज होते हैं, तो वो हम ले लेते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, हो सकता है डेटर पे आपको सारी चीजें गिवन हो
लेकिन सेल्स की फिगर ना गिवन हो कि सेल्स कितनी हुई, तो आप डेटर अकाउंट बनाओगे और उसमें सेल्स एज बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का काम आपको यहां पे करना होता है, ठीक है। तो फटाफट से एक काम करना, आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 करना मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आओ तो क्विकली देखते हैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है। चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो आपका लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है पेज नंबर 9.18 पे आपको ये मिल जाएगा। क्या कहता है ये देखो, कैलकुलेट द बैड डेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको देखो क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसने क्लियरली बोल दिया आपको बैड डेट्स कैलकुलेट करना है। अब आपको जानकारी की देखो दे रखी है क्या क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है डेटर का, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, डेटर से कितना कैश मिला ये गिवन है, डिस्काउंट अलाउड, हमने डेटर को कितना डिस्काउंट दिया ये गिवन है, क्रेडिट सेल्स कितनी हुई ये गिवन है, बिल्स रिसीवेबल उसने बता रखा है 3 लाख रुपए, मतलब कितना बीआर एक्सेप्ट करा हमारे डेटर ने 3 लाख रुपए का, और बैड डेट्स भी उसने क्वेश्चन मार्क लाल रखा है क्योंकि ये हमें निकालना ही है। चलो बहुत सिंपल, तो छोटा सा बनाएंगे डेटर अकाउंट, चलिए। तो आप सवाल में देख देख के डालते रहना सब कुछ बच्चों। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, यह है 5 लाख रुपीज। फिर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो डाल देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहां पे 7 लाख रुपीज। फिर अगला था अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 6 लाख रुपए, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाता है बाय कैश, तो 6 लाख रुपीज हमको कैश में मिला। फिर है डिस्काउंट अलाउड, ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाता है तो बाय डिस्काउंट अलाउड, तो कितने का डिस्काउंट अलाउ किया हमने 10,000 रुपीज का। फिर है क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स यहां पे आती है तो 2 क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पे 11,40,000। फिर बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे आ जाता है तो बाय बिल्स रिसीवेबल ये है 3 लाख रुपीज। ठीक है जी, बस अब बैड डेट्स आपको निकालना है, वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय बैड डेट्स। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, मतलब क्वेश्चन ने मांगा तो मेरे से यही था, ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। चलो तो निकाल लेते हैं भाई। तो अगर बैड डेट्स निकालना है तो ऑफकोर्स डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो ये है 16,40,000 टोटल, 16,40,000। तो चेक कर लेते हैं कि भाई मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 30,000। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो देयरफॉर बैड डेट्स कितने हो गए 30,000। समझ आ गया, सिंपल है ना? यस, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ऐसा नहीं सवाल आएगा, एग्जाम में तो आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट्स का, तो उसमें ही आपको क्वेश्चन के अंदर ही एक पार्ट ऑफ द वर्क करना पड़ेगा जिसमें आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर सेवन देख लेना, अगला ही इलस्ट्रेशन होगा आपकी किताब में। तो पेज नंबर 9.20 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, पढ़ो क्या कहता है। कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस, आपको कैलकुलेट करना है क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर के, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स कितना है कैश में 8,50,000, डिस्काउंट रिसीव 20,000 है। तो मैं आपको बना के यहां पे दिखा देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो आपको क्या निकालना है, क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिटर अकाउंट,
और इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत ही कम जानकारी है, तो बिल्कुल छोटा सा अकाउंट बनेगा बच्चों ये। चलिए तो सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है 4 लाख। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये है 5 लाख। इसके अलावा पेमेंट मेड इन कैश, तो ये डेबिट साइड में डाल देंगे, टू कैश, तो पेमेंट कितनी करी हमने, 8,50,000। डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट साइड पे आ जाता है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, 20,000। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है क्रेडिट परचेस। चलो तो क्रेडिट परचेस हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी, तो यहां पे बाय क्रेडिट परचेस, तो टोटल कर लेते तो टोटल आ रहा है 13,70,000। तो बैलेंस बच गया इसमें से 13,70,000 में से 4 लाख माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 9,70,000। तो दिस इज माय फाइनल आंसर क्रेडिट परचेस का। तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से आपको अकाउंट बना के मिसिंग फिगर्स निकालनी होगी इसमें। यस सर। चलो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब ये है आपका प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 10 मार्क्स में। तो पढ़ना क्या कहता है क्वेश्चन, ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। तो ए एडम जी भाई कोई बिजनेसमैन होगा जो सिंगल एंट्री सिस्टम में अपनी किताबें रखता है। द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो। तो देखो हमारा ये जो क्लाइंट, मान लो भाई ये हमारा क्लाइंट ही एक प्रकार से है ना, तो ये जो एडम जी है, ये जो क्लाइंट है, ये अपने पास कैश बुक मेंटेन करता है। तो कैश बुक में आपको एक रिसिप्ट साइड दे रखी है, मतलब डेबिट साइड दे रखा है, एक आपको पेमेंट साइड दे रखी है, मतलब क्रेडिट साइड। तो रिसिप्ट में देखो बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021 है 2800, रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स है 48,000, कैश सेल्स है, ध्यान से पढ़ना, कैश सेल्स दे रखा है 11,000, कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है 6,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 200। अब पेमेंट क्या क्या है, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स है 35,000, सैलरीज हैं 6,500, जनरल एक्सपेंसेस हैं 2,500, रेंट एंड टैक्सेस है 1,500, ड्रॉइंग्स है 3,600, कैश परचेज है 12,000, और फिर बैंक बैलेंस है 31 मार्च 2022 का, कैश बैलेंस है इन, मतलब कैश इन हैंड है 31 मार्च 2022 का। ठीक है, तो मतलब कैश और बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो भी है वो सब आपको गिवन है। चलो पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलोस। पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो मतलब 1 अप्रैल 2021 को फिगर्स दे रखी हैं, 31 मार्च 2022 को फिगर्स दे रखी है। तो 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग बैलेंस हो गए, 31 मार्च 2022 ये क्लोजिंग बैलेंस हो गए। सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट्स है, और कुछ है क्या, नहीं जी, बस कह रहे प्रिपेयर करो फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। तो मशीनरी और फर्नीचर दोनों पे आपको 10% का डिप्रिसिएशन लगाना है, एंड ₹800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है ₹800 का। अब सबसे पहली बात बच्चों, अगर मुझे बता रखा है
कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दोनों पे, मशीनरी पे भी फर्नीचर पे भी। ऊपर अगर आप गौर करोगे तो आपको मशीनरी और फर्नीचर के दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, दोनों भी सेम है। लेकिन मजे की बात अब ये हो गई कि इन दोनों के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है ये मेरे लिए बेकार हो गए। क्यों बेकार हो गए? क्योंकि अभी मैंने इनमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। जब मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगा लूंगा तो इन दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो तो डेप्रिसिएशन लगा के आएगा। तो ये देने को दे रखा है, इससे मुझे ये पता लग गया है कि मैंने कोई मशीनरी या फर्नीचर खरीदी नहीं, कोई बेची नहीं, ये मुझे समझ आ गया। लेकिन वैसे मुझे ये क्लोजिंग बैलेंस अपने आप से मतलब इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज मुझे इन पे डिप्रिसिएशन चार्ज करके इनकी नई बैलेंस निकालना पड़ेगा कि क्लोजिंग डेट पे क्या बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो उसके लिए हमें क्या क्या अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आप गौर करना बच्चों, कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा, कोई भी कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा। क्वेश्चन वाले ने कैपिटल ब्रॉट बाय ड्यूरिंग द ईयर बता रखा है कि साल में कितना एडिशनल कैपिटल आया। क्वेश्चन वाले ने ड्रॉइंग्स भी बता रखी है कि कितनी हुई, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का ये नहीं बताया। अब जब तक मुझे कैपिटल का बैलेंस नहीं पता होगा तब तक मैं बैलेंस शीट नहीं बना सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगा, और उस ओपनिंग कैपिटल को यूज करके फिर मैं उससे क्लोजिंग कैपिटल पे आ जाऊंगा, जस्ट लाइक योर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की तरह ही समझ लो। अगर आपने एनपीओ चैप्टर पढ़ा होगा तो एनपीओ चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही काम होता है बच्चों। एनपीओ में भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इस तरह से बनाना होता है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए होता है, जिसको बनाने के लिए हम लोग या जिसको निकालने के लिए हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पे भी आपको काम करना है। चलो तो मेरे साथ साथ करना जरूर बच्चों क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है वैसे। इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो पहले मैं अपने मेन अकाउंट्स बना लेता हूं। एक मेरे को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा सा मतलब 6-7 लाइन का कम से कम बना लेना बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर मुझे बनानी है बैलेंस शीट। चलिए ठीक है जी, और थोड़ी सी जगह छोड़ के मेरे वर्किंग नोट्स भी आ जाएंगे। चलो तो क्या क्या बनाना है भाई वर्किंग नोट में? एक तो हमें बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1 में हम बना लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑन कुछ भी लिख लो, ओपनिंग बैलेंस शीट है तो आप 31 मार्च 2022 भी लिख सकते हो, आप 31 मार्च 2021 भी लिख सकते हो, आप 1 अप्रैल 2021 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इस सवाल में अगर आपने नोट किया होगा बच्चों तो डेटर क्रेडिटर की जानकारी है, तो एक मैं बना दूंगा डेटर का अकाउंट, छोटा ही बनेगा ये, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, तो हार्डली 4-5 लाइन का बनेगा ये डेटर अकाउंट, और एक बनेगा क्रेडिटर अकाउंट। फिलहाल मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इतने फॉर्मेट्स बना के रेडी रख रहा हूं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और बनाना पड़ा
तो मैं अकॉर्डिंगली वो बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो हम बाद में बना लेंगे। इतने फॉर्मेट में बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत एविडेंट है कि ये आपको बनाना पड़ेगा। देखो आप क्वेश्चन में कभी कभी देखो आपको ना कैश बुक भी बनाना पड़ सकता है, कैश बुक या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इस सवाल में अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन वाले ने आपको एक कैश बुक ऑलरेडी मेंटेन करके दे दी है, तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कैश बुक ही है, तो आपको यहां पे कैश बुक बनाने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि वो आपके पास पूरी तैयार है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है ना वो ना गिवन हो कैश बुक, तो आपको वो भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है जी, चलो तो एक एक करके करेंगे बच्चों क्वेश्चन। तो मैं आपसे बस एक एडवाइस करूंगा बच्चों, तो होता क्या है ना कि ऊपर नीचे करने में कभी कभी ये क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो बार बार मुझे ऐसे ऊपर नीचे करके आपको क्वेश्चन दिखाना पड़ता है जिसमें टाइम खराब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका टाइम बहुत खराब होता है। आपके पास स्टडी मटेरियल पक्का पक्का होगा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों स्टडी मटेरियल अपने पास खोल लेना, चाहे मोबाइल पे लैपटॉप पे, चाहे बुक होगी तो बुक खोल लेना, लेकिन क्वेश्चन करना जरूर मेरे साथ साथ। ठीक है, तो मैं अपने पास क्वेश्चन खोल के उससे देख देख के सारी चीजें डालता रहूंगा। तो बिल्कुल देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आपको इससे पता लग जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। सबसे पहले उसने बैंक बैलेंस दे रखा है ओपनिंग डेट का 2800 रुपए, तो ये आपको कहां डालना है? आप एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दोगे बैंक, तो ये बैंक बैलेंस हम डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 2800। ठीक है, तो एक एक करके आइटम पढ़ेंगे और उसकी जो जो जगह होगी उसको वहां उस जगह में डालते रहेंगे। अगला है रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर से पैसा मिला तो ये किधर आ जाएगा? ये डेटर अकाउंट में आ जाएगा, बाय कैश कुछ भी लिख सकते हो, बाय कैश या बाय बैंक जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो कितना डेटर से पैसा मिला? 48,000। ठीक है, तो बाय कैश लिख दो चाहे बाय बैंक लिख दो, वो आपकी श्रद्धा है। फिर है कैश सेल्स, कैश सेल्स किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, है ना, आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना आता होगा मैं मान के चल रहा हूं, तो ये क्रेडिट सेल पे आएगा। तो देखो बाय सेल्स, लेकिन जो जोश में आके एकदम सेल्स के बगैर बाहर मत लिख देना, अभी हम सिर्फ अंदर लिखेंगे कि कैश सेल्स हुई है कितने रुपए की? 11,000 की। ठीक है, फिर है कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, तो एक काम करें क्या, एक काम करते हैं, एक काम आप कर सकते हो, आप वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। तो एक काम करते हैं वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट भी बना लेते तो थोड़ा अच्छा लगेगा, साफ साफ काम चलेगा, है ना, जरूरी नहीं है लेकिन बना सकते हो आप। तो मैं आपको एक बार एक कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूं। चलो तो कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर, तो कैपिटल आया तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा सर, तो बाय कैश या बैंक, तो ये कैपिटल ब्रॉट हुआ कितने रुपए का? 6,000 का। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है बच्चों, ये नॉर्मल इनकम है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी सी जगह छोड़ के बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्रेडिट साइड, तो ये नॉर्मल इनकम है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 200। फिर अब पेमेंट साइड पे आ गया हूं मैं, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा, तो क्रेडिटर अकाउंट में यहां पे हम डेबिट साइड पे लिख देंगे टू कैश या बैंक जो भी लिखना चाहो। तो कितनी पेमेंट करी हमने? 35,000 रुपीज की। फिर है सैलरीज, तो सैलरीज एक खर्चा होता है, तो खर्चा किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे टू सैलरीज, तो कितनी सैलरी है? 6,500 की। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, ये भी पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस, तो कितने हैं जनरल एक्सपेंसेस? 2,500। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, ये भी खर्चा है, तो ये भी पीएनएल में डेबिट साइड पे टू रेंट एंड रेट्स, ये कितना है? 1,500। उसके बाद ड्रॉइंग्स, तो बच्चों ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है आपको अच्छे से पता है, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो टू ड्रॉइंग्स कितनी है? ड्रॉइंग्स 3,600।
उसके बाद है कैश परचेस। तो परचेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे टू परचेस। लेकिन फिर से वही बात है भाई, जोश जोश में सीधा बाहर मत लिख देना फिगर, अभी अंदर लिखना। अभी उसने सिर्फ कैश परचेस बताई है भाई, क्रेडिट परचेस भी हो सकती है। तो कितनी है कैश परचेस? 12,000 की। तो ये मैं अंदर के कॉलम में लिख रहा हूं 12,000। उसके बाद है बैलेंस एट बैंक ऑन 31 मार्च 2022। तो मतलब क्लोजिंग डेट का बैंक बैलेंस बता रहा है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग वाली में बैंक बैलेंस। कितना है बैंक बैलेंस? ये है 6400। और सिमिलरली कैश बैलेंस भी दे रखा है 500 का, तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश इन हैंड। ये कितना है? 500। तो देखो मेरी कैश बुक खत्म हो गई। अब इसके अलावा उसने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए थे। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो डेटर अकाउंट हमने बना रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 14,500 का। और साथ साथ ये ओपनिंग बैलेंस आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, सन्ड्री डेटर्स 14,500। इसी प्रकार से डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो ये डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है ये? 17,600। और साइमल्टेनियसली ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, ध्यान से 17,600। ठीक है, उसके बाद मशीनरी। अब मशीनरी और फर्नीचर, इसका हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो पहले तो भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस तो लिख दो। एक है मशीनरी, एक है फर्नीचर, तो इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है कितने कितने हैं? 7500 और 1200। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने बोला था कि आपको दोनों पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओपनिंग बैलेंस पे, उससे फिर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो आओ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन आता है हमारा कहां पे? पीएनएल अकाउंट में। अच्छा, ये परचेज जो डाली है हमने, कैश परचेज ये डाल दी हमने थोड़ी गलत जगह पे, मतलब मैं आपने क्या डाली, मैंने ही गलत डाली है, आपने सही डाली होगी। तो जरा मैं यहां से हटा देता हूं, 12,000 की कैश परचेज थी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी थी, तो यहां डाल देते टू परचेज। चलो, और डेप्रिसिएशन आपकी यहां पे आ जाएगी टू डेप्रिसिएशन, एक मशीनरी पे, एक फर्नीचर पे। ठीक है, तो कितनी कितनी है? 10% के हिसाब से देख लो, तो ओपनिंग बैलेंस था मशीनरी का 7500, क्लोजिंग और फर्नीचर का 1200। तो 7500 का 10% 750 आ जाएगा, ये आ गया 750। और फर्नीचर पे कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी? 1200 का 10% 120। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 870, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 870। और लगे हाथ तो हम इसकी वैल्यू अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं, तो मशीनरी फर्नीचर। चाहो तो आप इसका भी अकाउंट बना सकते हो, मैं यहीं पे ब्रैकेट में करके इसको देख लेता हूं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग 7500 था, इसमें हमने 750 रुपीज की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। सिमिलरली फर्नीचर का 1200 ओपनिंग बैलेंस था, इसपे मैंने 120 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो इससे मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। तो ये कितना बच रहा है? ये बच रहा है 6750 शायद, और ये बच रहा होगा 1080, 6750 एंड 1080। ठीक है, समझ आ गया ना मैंने क्या किया? तो हम ओपनिंग बैलेंस मशीनरी और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस शीट में एज इट इज डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें पता है कि उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो बचता है वैल्यू वो डालना होता है, तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करके पीएनएल में डाल दिया डेप्रिसिएशन, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने अपना
डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू WDV बच गई वो मैंने एसेट साइड पे डाल दी। बात समझ में आ गई? यस। तो एक हमारा ये काम भी खत्म हो गया। उसके बाद आपको इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। तो ध्यान से मतलब कहां कहां आएगी, तो सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री 3900। और लगे हाथों ओपनिंग इन्वेंट्री और कहां आएगी बच्चों, एक जगह और आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ जाएगी टू ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये है 3900। इसी प्रकार से क्लोजिंग इन्वेंट्री एक तो कहां आ जाएगी, बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो एक मेरी आ जाएगी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये कितनी है 5700। और साथ साथ ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा इन्वेंट्री 5700। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी एसेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स 5000। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स 5000। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं, एज इट इज आ जाएगा। चलिए बस सारे ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस डाल दिए। इसके अलावा क्वेश्चन ने मुझे यह भी बोला था बच्चों, क्वेश्चन ने यह भी बोला था कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है डेटर पे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीएनएल में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो कितना उसने अमाउंट ही बता रखा था, ये 800 रुपए था शायद, है ना, तो ये पीएनएल में आ जाएगा। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक तरफ, दूसरी तरफ मतलब मेरे डेटर्स में से कम हो जाएगा। तो अभी मैंने डेटर्स की वैल्यू डाली है क्या? हाँ, मैंने डेटर की वैल्यू डाल रखी है, तो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो इसका मतलब मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 17600 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो 17600 में से 800 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा 16800। ठीक है। अच्छा बच्चों, क्रेडिटर का भी तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, मैंने क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शायद छोड़ दिया, तो क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी था, तो ये आ जाएगा यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस है 5800 का और क्लोजिंग बैलेंस है 7900 का। और सिमिलरली ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाते हैं, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, तो ये कितना है 5800। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स, इसका क्लोजिंग बैलेंस ये कितना है 7900। चलो अब मैंने एक एक करके सारी चीजें अपनी डाल दी। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने डेटर में एक थोड़ा सा बदलाव करा, ये 800 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने यहां पे डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करके यहां दिखा दिया। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते थे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप अलग से लाइबिलिटी साइड में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। हाँ, किताब के आंसर से मे बी वो मैच ना करे, क्योंकि किताब वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके दिखाते हैं, बट आप चाहो तो लाइबिलिटी साइड पे भी दिखा सकते हो, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके बच्चों जो हमने वर्किंग नोट में काम शुरू किया उसको खत्म करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, तो फटाफट से काम करते हैं, इस ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, सारे बैलेंसिंग जो बैलेंसिंग फिगर्स को मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो कैपिटल का बचेगा। फटाफट से निकाल लेते कि कितना बच रहा है ये।
तो टोटल आ रहा है 34,900, इसमें से 5,800 चले गए, तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है 29,100, 29,100। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट कर देना बच्चों, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है ये। हमने एक कैपिटल अकाउंट भी बना रखा है क्योंकि मेरा मन करा था, तो इसको मैं यहां पे पोस्ट कर दूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,100। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा अकाउंट बन गया है, इसका इतना बड़ा जरूरत नहीं है, इसकी थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो अब सही है, एक मिनट। चलो जैसा भी है ठीक है, उसके बाद अगला अकाउंट क्लोज करते हैं, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं हम लोग, चलो डेटर अकाउंट क्लोज करो। तो किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है सर, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है ये, 48,017,600, तो ये आ रहा है 65,600। ये मेरा टोटल आ रहा है डेटर का, इसमें से अगर मैं 14,500 माइनस कर दूं तो बच रहा है 51,100, 51,100। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा क्रेडिट सेल्स। ठीक है, मोस्ट लॉजिकली क्या होगा, ये क्रेडिट सेल्स। ऐसे तो आप बोलोगे सर फॉर्मेट में डेबिट साइड में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है भाई, थोड़ा लॉजिक लगाना है कि भाई जब डेटर्स है मेरे पास तो कोई ना कोई क्रेडिट सेल्स तो करता होगा ना मैं, तभी तो मेरे डेटर्स हैं ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। तो और क्रेडिट सेल्स की जानकारी क्वेश्चन में थी नहीं, तो ये लॉजिकली मुझे समझ आ गया कि यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या हो गई, क्रेडिट सेल्स। और जब मैंने यहां पे क्रेडिट सेल्स निकाल लिया 51,100 का, इसको मैं साथ में कहां पोस्ट कर दूंगा, इसको कहां मैं डाल दूंगा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सेल्स की फिगर बाहर लिखी थी क्योंकि मुझे पता था कि यहां पे एक क्रेडिट सेल्स भी होगी, तो क्रेडिट सेल्स कितनी की है, 51,100। अब मैं अपनी टोटल सेल्स की फिगर बाहर लिख सकता हूं, ये आ गई 62,100। ठीक है जी, इसी प्रकार से हम लोग क्रेडिटर अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 42,900, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा बच रहा है यहां पे, ये बच रहा है 37,100। तो ये क्या होगा, मोस्ट लॉजिकली सर ये क्रेडिट परचेज होगा। वही बात है भाई, जब मेरे पास क्रेडिटर्स के बैलेंसेस खड़े हैं तो जाहिर सी बात है मैं कुछ क्रेडिट परचेज भी तो कर रहा हूंगा ना, तभी तो मेरे पास क्रेडिटर के बैलेंसेस पड़े हैं। बात समझ में आ रही है, यस। और अगर मेरे पास क्रेडिट परचेज आ गया 37,100 का, तो लगे हाथों मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी डाल सकता हूं, तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में भी कैश परचेज अंदर लिखा था, अब मैं बाहर लिख सकता हूं क्रेडिट परचेज है 37,100। तो टोटल मेरी परचेजेस हो गई 49,100। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अभी जल्दबाजी में बच्चों एक जो हमारा लास्ट अकाउंट क्लोज करने का बच गया कैपिटल अकाउंट, ये अभी नहीं करेंगे, पहले अब हम अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट पे आता हूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चेक करो कि क्या बैलेंस बच रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है सर, क्रेडिट साइड का टोटल साफ साफ ज्यादा आ रहा है, तो इसका टोटल आ रहा है 67,800। तो बैलेंसिंग फिगर किधर बच रही है सर, इधर बच रही है बैलेंसिंग फिगर, कितनी बच रही है, 14,800। तो सर ये क्या होगा, हमें अच्छे से पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, क्या बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और हमें यह भी पता है सर कि ये ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय
ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी डाउन होता है 14,800। ठीक है जी, अब आप अपना पीएनएल अकाउंट भी क्लोज कर सकते हो। अंदाजा आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि किस साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो यहां पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। चलो तो टोटल कितना आ रहा है, 15,000 टोटल आ रहा है, एग्जैक्टली 15,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। तो बैलेंसिंग फिगर मेरी जो बचने वाली है वो फिर से यहां पे बचने वाली है, और हमें यहां पे पता है अच्छे से कि ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ये क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट होगा। चलो तो 15,000 माइनस 6,500, 2,500, 1,500, 870 एंड 800, तो ये बच रहा है 2,830, 2,830। ठीक है जी। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट जो निकलता है बच्चों, इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं इसको अपने वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा क्रेडिट साइड में। तो बाय नेट प्रॉफिट 2,830। ठीक है, अगर जो आप कैपिटल अकाउंट ना बनाते हो, जैसे फाइनल अकाउंट चैप्टर में आप कैपिटल में प्लस माइनस बैलेंस शीट के अंदर ही करके दिखा देते हो, तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते थे। तो उस केस में हम नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में अंदर ऐड कर देते। मैंने थोड़ा सफाई रखने के लिए क्या किया, और आपको थोड़ा दिखाने के लिए भी मैंने कैपिटल अकाउंट अलग से बना लिया। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, मेरे से कोई लड़ेगा नहीं बच्चा कि सर कैपिटल अकाउंट ना बनाए तो क्या, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बुक वालों ने भी नहीं बना रखा होगा, आप चाहो तो उसको सीधा बैलेंस शीट के अंदर करके दिखा सकते हो। मैंने फिर भी क्या किया, मैंने इसको अलग से बना दिया। ठीक है, अब आप अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो इसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन फटाफट से। तो ये देख लेते कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 37,930, 37,930। इसमें से 3600 चला गया, तो ये बच गया 34,330। ठीक है, और ये क्लोजिंग कैपिटल को हम अपनी मेन क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे, 34,330। ठीक है, अब आप अपना बैलेंस शीट का टोटल मार सकते हो। मेरे ख्याल से हमने सारी चीजें डाल दी है, तो अब आपका बैलेंस शीट अब जो है वो टैली करनी चाहिए। 42,230 टोटल आ रहा है इसका। तो एक बार चेक कर लेते हैं एसेट साइड का भी, क्या यही टोटल आ रहा है। बिल्कुल सर, यही टोटल आ रहा है 42,230। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं बुक का आंसर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 था। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 के आंसर में मैं सीधा बैलेंस शीट में आता हूं, तो देखो इनका भी जो बैलेंस शीट में आ रहा है कैपिटल, वो 34,330 आ रहा है और टोटल आ रहा है 42,230। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने अंदर ही कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल के इनर कॉलम में सारी कैलकुलेशन कर दी। तो 29,100 पहले उन्होंने निकाल लिया ओपनिंग कैपिटल, जो मैंने भी निकाला था ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। अब इसी में इन्होंने फ्रेश कैपिटल जो ऐड हुआ, प्रॉफिट जो ऐड हुआ नेट प्रॉफिट, और साथ साथ जो ड्रॉइंग्स हुई वो माइनस कर दी, ये सब अंदर ही करके उन्होंने सीधा क्लोजिंग कैपिटल यहां पे करके दिखा दिया। मैंने इसी बात को करने के लिए एक अलग से वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है जी, चलो तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते बच्चों हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का, पेज नंबर 9.39 पे। क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है, राम कैरिड ऑन बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट, ही हैज नॉट मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कह रहा है राम है एक रिटेल मर्चेंट है और वो अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। हाउएवर ही ऑलवेज मेंटेन्ड ₹10,000 इन कैश। कहता है कि वो हमेशा अपने पास 10,000 रुपए का कैश रखता है।
एंड डिपॉजिटेड द बैलेंस इनटू द बैंक अकाउंट, और जो भी बैलेंस बचता है वो उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है. ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैव सोल्ड गुड्स एट एन प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स. तो कह रहा है कि भाई इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 25% ऑफ सेल्स. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, क्या क्या जानकारी है आपको, कुछ 1 अप्रैल 2021 की जानकारी दे रखी है, कुछ 31 मार्च 2022 की जानकारी दे रखी है. तो पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि एक ओपनिंग डेट है, एक क्लोजिंग डेट है. तो कैश इन हैंड देखना, ओपनिंग डेट पे भी 10,000 है, क्लोजिंग डेट पे भी 10,000 है. तो यही सवाल ने ऊपर बोला भी था वैसे तो, कि भाई राम जो है वो हमेशा 10,000 रुपए का कैश बैलेंस मेंटेन करता है, तो वो हमको यहां पे दिख भी रहा है, ओपनिंग में भी 10,000, क्लोजिंग में भी 10,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 90,000. कैश एट बैंक उसने दे रखा है, ओपनिंग डेट पे कह रहा है 50,000 का क्रेडिट बैलेंस. तो बैंक में क्रेडिट बैलेंस होने का क्या मतलब होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो इसको आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी मान सकते हो, इसको आप कैश क्रेडिट भी मान सकते हो, जो भी बोल सकते हो, बस मतलब मुद्दे की बात है ये एक लाइबिलिटी है. तो ओपनिंग में बैंक का क्रेडिट बैलेंस है और क्लोजिंग में 80,000 का नॉर्मल डेबिट बैलेंस है. ठीक है, फिर सन्ड्री डेटर्स के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं 1,00,000 and 3,50,000. स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस में उसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि भाई वो आप निकाल के बताओ. सिमिलरली राम का कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस 3,00,000 रुपए है, क्लोजिंग बैलेंस में उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसको आप निकाल के दिखाओ. एनालिसिस ऑफ हिज बैंक पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और क्या जानकारी हमको मिली, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है 7,00,000 रुपए, पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस है 1,20,000, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स है 7,50,000, लोन 1,00,000 रुपए का लिया 1 अक्टूबर 2021 को एट 10% पर एनम. तो 1 अक्टूबर को लोन लिया और लोन पे ब्याज कितना है 10% पर एनम. कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹1,00,000, तो कितना कैश बैंक में डिपॉजिट किया, 1,00,000 रुपए. ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ₹20,000 इन कैश, कह रहा है कि क्रेडिटर्स को हमने 20,000 रुपए कैश पे किया एंड सैलरी ₹40,000 इन कैश, हमने 40,000 की सैलरी भी कैश में पे करी. ही हैड ड्रॉन ₹80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो मतलब कैश में 80,000 रुपए निकाले गए ड्रॉइंग्स के तौर पे, है ना, तो पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्रॉइंग्स. ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी एडिशनल कैपिटल, कोई भी नया कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. सरप्लस कैश इफ एनी टू बी टेकन एज कैश सेल्स, तो यहां जानकारी खुद ही बता रहा है क्वेश्चन वाला, वो कह रहा है कि कैश में जो भी बैलेंस बच जाएगा उसको आप कैश सेल्स मान लेना. ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट पर बेसिस, अलबत्ता आपका जो परचेजेस है जो भी आपकी वो सारी क्रेडिट पे हुई है, कैश कोई भी परचेज नहीं हुई. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022. तो सबसे पहली बात बच्चों, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में कोई भी कैश बुक या कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कुछ भी आपको नहीं दिया. पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था इलस्ट्रेशन नंबर 8, उसमें क्वेश्चन वाले ने आपको कैश बुक एक प्रकार की दे रखी थी रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट की तरह, बट यहां पे वो नहीं दे रखा. तो सबसे पहली बात आपको यहां पे कैश बुक बनानी पड़ेगी, और इसके अलावा फिर आपको बहुत सारी जानकारी जैसे क्रेडिटर्स डेटर्स के रिलेटेड दे रखी है, तो ये भी आपको सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो मेरे साथ साथ करना है, इसमें आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, आओ. चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. तो पहले हम अपने मेन अकाउंट्स के फॉर्मेट बना लेते हैं. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा. चलो तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा.
फिर बैलेंस शीट बनेगी, 31 मार्च 2022 को। बैलेंस शीट में काफी सारी चीजें आ जाती है, तो थोड़ी सी बड़ी बना देना। फिर वर्किंग नोट्स। अच्छा, इस सवाल में एक अच्छी बात क्या है बच्चों, इस सवाल में अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन वाले ने आपको ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी खुद ही दे रखा है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी चीज है तो एक बुरी चीज भी है। क्या? पिछले सवाल में उसने कैश बुक बना के दिया हुआ था, इस सवाल में कैश बुक नहीं है, तो कैश बुक आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कैश बुक एक काम करते हैं लास्ट में बना लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बनेगा। सबसे पहले हम डेटर और क्रेडिटर अकाउंट के फॉर्मेट बना लेते हैं। तो डेटर अकाउंट, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने बच्चों आपको कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बना के दिखा दिया था, तो आप इस सवाल में भी बिल्कुल वैसे ही काम कर सकते हो कि आप कैपिटल अकाउंट बना लो। तो एक काम करते बना ही लेते हैं ना, थोड़ा साफ साफ लगता है काम, तो मेरे ख्याल से वो तरीका अच्छा रहेगा। इस सवाल में भी हम लोग कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बना ही लेते हैं, बेटर होगा, थोड़ा क्लियरली चीजें दिखती है ना हमको, तो बड़ा आसान हो जाता है। एक ही तो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, अकाउंट बनाने में तो हम लोग माहिर हैं ही, है ना। और लास्ट में फोर्थ वर्किंग नोट में हम लोग बना लेंगे कैश बुक। अब ये जो कैश बुक बनेगा, इसको आप मान लो कि आप डबल कॉलम कैश बुक बनाओगे, तो एक कैश का कॉलम बना लेना, एक बैंक का कॉलम बना लेना। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप नोट करना भाई, इस क्वेश्चन में कैश और बैंक बैलेंसेस अलग से बता भी रखे हैं, और जितनी भी उसने कैश पेमेंट्स रिसिप्ट की बात करी है सारी क्लैरिटी उसने दे रखी है, कौन सी चीज कैश में हो रही है, कौन सी चीज बैंक में हो रही है। इसका मतलब यहां हमें सेपरेटली देखना है कि कैश में क्या हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है। तो हम लोग दोनों भी कॉलम का, एक कैश और बैंक का, एक कैश बुक बना लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप अपने पास खोल के रखना, एक एक करके ऊपर से सारी चीजें डालते रहेंगे। तो सबसे पहले उसने कैश इन हैंड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया था, तो चलो कैश बुक में डाल देते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब ये बहुत ध्यान से करना है। कैश का तो ऑफ कोर्स देखो, कैश का तो डेबिट बैलेंस ही होता है हमेशा, क्रेडिट बैलेंस तो कभी नहीं होता। लेकिन बैंक में उसने बोला था क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो इस तरफ आएगा, कितना है ये 50,000, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हैं। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो कैश का कितना है क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी 10,000 ही है। ये तो क्वेश्चन ने बोला ही था कि कैश में हम हमेशा 10,000 रुपीज मेंटेन करते हैं। और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 80,000, ये डेबिट बैलेंस है, तो ये इधर ही आएगा, ठीक है। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों के भी गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस वाले पार्ट हम अपनी बैलेंस शीट में भी डाल देते। तो एक डाल देते कैश इन हैंड और एक डाल देते कैश एट बैंक, ठीक है।
ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे, जरूरत नहीं है, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंसेस डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो मेनली हम बना ही रहे, ये तो हमारा मेन सोल्यूशन है। तो जितने भी एसेट्स लाइबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें उठा उठा के बैलेंस शीट में डालने पड़ेंगे। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो आओ क्रेडिटर का अकाउंट हमने बना रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है 90,000। ठीक है, और सिर्फ क्लोजिंग वाला जो क्लोजिंग बैलेंस वाला पार्ट है ये उठा के हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो बस एक लाइन की जगह छोड़ के क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हैं 90,000 लाइबिलिटी साइड। फिर कैश एट बैंक तो मैं ऑलरेडी डाल चुका, डेटर्स दे रखा है सिमिलरली, तो डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हैं अपने डेटर अकाउंट में, टू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये है 1,00,000, क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये है 3,50,000, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस वाला पार्ट बैलेंस शीट में भी डाल देते हैं डेटर्स। और इस सवाल में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो है नहीं, तो ये एज इट इज डेटर्स डाल देते हैं, यह है 3,50,000 क्लोजिंग बैलेंस। चलिए, फिर स्टॉक दे रखा है उसने, ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है, तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ये है 2,80,000 क्लोजिंग स्टॉक, उसने नहीं दिया, उस पर क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, तो वो आपको कुछ जुगाड़बाजी लगा के निकालना पड़ेगा। सिमिलरली फिर उसने राम्स कैपिटल यानी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो उसके लिए हमने कैपिटल अकाउंट बना रखा है वर्किंग नोट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग कैपिटल तो हम यहां डाल देते 3,00,000, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं बता रखा है उसने, क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो आपको खुद निकालना है। फिर आगे उसने कुछ कुछ और जानकारी दी रखी है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है 7,00,000 रुपए। सर ये क्रेडिटर्स को कैसे पे किया, कैश से कि बैंक से, ऊपर पढ़ना दिखा देता हूं एक बार क्वेश्चन में। एक सेकंड, जरा क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा है, बार बार वही दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो देखो उसने बोला था एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, तो मतलब यहां पे ए बी सी डी ई में जो भी उसने चीजें दे रखी है बैंक पासबुक से पता लग रहा है, तो यानी ये बैंक से हो रही है। तो इसमें उसने बोल रखा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 7,00,000, ठीक है। तो ये हमने मतलब बैंक से पे कर रखा होगा, तो क्रेडिटर्स को पे किया 7,00,000 रुपए, तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स टू बैंक। तो अकॉर्डिंगली कहां कहां पोस्ट हो जाएगा, एक तो क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक 7,00,000, और साथ साथ हम कैशबुक भी बना रहे हैं, तो उसके बैंक कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर 7,00,000 बैंक कॉलम में, ठीक है जी। इसके बाद पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, तो बिजनेस एक्सपेंसेस हमने कुछ पे करे, तो बाय बिजनेस एक्सपेंसेस, ये भी हमने पे करे किससे, बैंक से पे करे, क्योंकि बैंक पासबुक में आ रहा है, राइट, 1,20,000। और खर्चे कहां चले जाएंगे, खर्चे जो भी होते हैं हमारे पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे टू बिजनेस एक्सपेंसेस, कितने हैं बिजनेस एक्सपेंसेस 1,20,000। चलिए फिर है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 7,50,000, डेटर से पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक कितना है 7,50,000, और कैशबुक में आ जाएगा रिसिप्ट साइड पे डेबिट साइड पे टू डेटर अगेन बैंक कॉलम में, ठीक है।
फिर लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2021 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमने बैंक से लोन भी लिया, तो लोन की एंट्री क्या होगी? अगर मैं लोन की एंट्री बोलना चाहूं तो लोन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, मतलब एक तरफ बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ लोन नाम से एक लाइबिलिटी आ जाएगी 7 लाख रुपए की। नहीं, कितना भी लोन दिया 1 लाख रुपए का, तो यहां पे एक तो हम लोन डाल देते हैं डेबिट साइड पे टू लोन, 1 लाख का लोन लिया और लोन की एक लाइबिलिटी आ गई है ना, तो लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में चली जाएगी, तो बैलेंस शीट में हम आज डाल देंगे बैंक लोन 1 लाख। ठीक है, इसके बाद उसने कुछ इंटरेस्ट की बात करी थी 10% पर एनम की, वो मैं थोड़ा बाद में देखता हूं, ठीक है, उसको फिलहाल मैं पेंडिंग छोड़ देता हूं, मैं आगे चलता हुआ चलता हूं। फिर कह रहे कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 1 लाख रुपीज, कैश हमने डिपॉजिट किया बैंक में 1 लाख रुपए। तो बच्चों कैश बुक में ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, अगर आपने कैश बुक पढ़ रखा होगा तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, एक तरफ हम कैश डिपॉजिट कर रहे तो कैश कम हो रहा है, दूसरी तरफ हम लोग बैंक में पैसा डाल रहे तो बैंक बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको जर्नल एंट्री में समझाने के लिखना चाहूं तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी एंट्री होती है। तो देखो इसकी पोस्टिंग कैसे कैसे आ जाएगी हमारी कैश बुक में, बैंक बढ़ गया तो बैंक में हम लिख देंगे टू कैश, कितना है भाई 1 लाख, और कैश कम हो गया तो हम इसको इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैंक, कैश कॉलम में 1 लाख, ये चला गया। और ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग सी का एक सिंबल लगा देते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, चलो फिर कह रहे ही इन्फॉर्म्स दैट ही हैड पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स रुपीज 20,000, तो क्रेडिटर्स को हमने कैश में भी पे करा, क्रेडिटर्स को हमने कैश में भी पे करा, ये भी बता रहा है, तो वापस से क्रेडिटर में आ जाओ टू कैश, टू कैश, तो कितना कैश पे करा हमने 20,000, और कैश बुक में इसको कैश कॉलम में दिखा देंगे बाय क्रेडिटर्स, कैश कॉलम में 20,000, क्योंकि यहां पे उसने लिखा हुआ है कि हमने 20,000 कैश में पे करे, बैंक से भी पे किया वो हमारे बैंक पासबुक में आ गया था वो हमने डाल दिया था, और इसके अलावा कैश में भी 20,000 पे करा तो वो हमने कैश बुक में डाल दिया कैश कॉलम में। फिर कहता है सैलरी पे करी 40,000 की, तो बाय सैलरी, ये भी कैश में पे करी लिखा हुआ है, सैलरीज रुपीज 40,000 इन कैश है ना, और अगर बैंक से पे करी होती तो वो बैंक पासबुक में बता देता कि भाई पासबुक में सैलरी आ रही है, ये हमने कैश में पे करी, राइट, तो 40,000 की हमने सैलरी पे करी कैश में। चलो अच्छा, सैलरी एक एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस किधर चला जाएगा पीएनएल में, तो टू सैलरी, चलिए और क्या बता रखा है, ही हैज ड्रॉन रुपीज 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, कैश ड्रॉ कराया उसने 80,000 का फॉर पर्सनल पर्पस, तो ये ड्रॉइंग्स हो गई, तो आ जाओ ड्रॉइंग्स की एंट्री डाल दो, तो एक तरफ बाय ड्रॉइंग्स, थोड़ी जगह कम हो रही है यहां पे ड्रॉइंग्स, तो कैश में हमने ड्रॉइंग्स करी 80,000 की, तो कैश में 80,000 क्रेडिट साइड में, और ड्रॉइंग से मेरा कैपिटल कम होता है तो मैंने कैपिटल भी बना रखा है कैपिटल का अकाउंट, तो यहां डाल देंगे टू ड्रॉइंग्स 80,000। चलो और क्या बता रखा है उसने, उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करा, सरप्लस कैश जो भी था उसको आप कैश सेल मान लेना, वो देख लेंगे हम लोग, ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट ओनली, तो जो परचेजेस हो रखी हैं वो सिर्फ क्रेडिट में है, तो यहां पे मैं देखो स्टार डाल के पॉइंट क्लियर कर देता हूं। तो क्वेश्चन वाले ने एक बात बोल रखी है कि जो सेल्स है वो कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सरप्लस कैश जो बच जाए, मतलब कैश में जो भी बैलेंस बच जाए उसको कैश सेल मान लेना, और डेटर भी है मेरे पास तो मतलब क्रेडिट सेल भी हो रहा है, तो मतलब मेरी कैश में भी सेल हो रही है क्रेडिट में भी सेल हो रही है, लेकिन परचेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर रखा है कि ये सिर्फ क्रेडिट में ही हो रही है, परचेजेस मेरी सिर्फ क्रेडिट में ही है, कैश परचेज मेरी कोई भी नहीं है, कैश में मेरी कोई भी परचेज नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्वेश्चन ने हमें क्लियर कर रखा है, ये बस ध्यान रखना। चलो
सारी चीजें हमने डाल ली, अब एक एक करके सारी चीजें क्लोज करना शुरू करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डेटर से शुरुआत करता हूं, डेटर से शुरुआत करते हैं, पहले डेटर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो डेटर में जो बैलेंस बच रहा है वो इधर बच रहा है, कितना बच रहा है देख लेते हैं। तो टोटल आ रहा है कितना, 11 लाख। 11 लाख में से 1 लाख चले गए तो कितना बैलेंस बच गया, 10 लाख। तो क्या आप लोग ये समझ पाए कि ये बैलेंस किस चीज का बच रहा होगा? क्या आप ये बैलेंस आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या बैलेंस बच रहा होगा? सर बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाए, ये इसका मतलब 10 लाख रुपए की क्रेडिट सेल्स होगी। तो टू क्रेडिट सेल्स, ठीक है। मोमेंट मैंने ये क्रेडिट सेल्स यहां पे लिख दी तो ये सेल्स किधर आ जाएगी मेरी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आ जाओ बाय सेल्स, तो एक मेरी क्रेडिट सेल आ गई कितने की, 10 लाख की। चलो इसी प्रकार से फटाफट से क्रेडिटर अकाउंट भी देखो, वो भी क्लोज करने की कोशिश करो। तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8,10,000। 8,10,000 ये मेरे टोटल आ रहा है डेबिट साइड का, और जो मेरा बैलेंस बच रहा है वो इधर बच रहा है। कितने का बैलेंस बच रहा है, 8,10,000 में से 40 गए तो ये बच रहा होगा 7,70,000। तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्या बैलेंस बच रहा है? बिल्कुल सर, ये बच रहा है क्रेडिट परचेज, ये बच रहा है मेरा क्रेडिट परचेज। तो लगे हाँ तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी डाल देंगे, टू परचेज। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि सारी परचेजेस क्रेडिट में ही है, तो ये मैं सीधा डायरेक्टली बाहर लिख सकता हूं 7,70,000, क्योंकि कैश परचेज तो कोई है ही नहीं, तो यही मेरी फाइनल परचेज की फिगर होगी। बिल्कुल सर, अच्छा दो अकाउंट क्लोज हो गए, बहुत बढ़िया हो गया। कैपिटल अभी मत क्लोज करना, कैपिटल हमेशा लास्ट में क्लोज करना, ठीक है जी। कैश बुक में आ जाओ फटाफट से, पहले कैश बुक में मैं बैंक कॉलम पे आपको फोकस कराना चाहता हूं, बैंक कॉलम पे जरा फोकस करना। बैंक कॉलम का जरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल मारना कितना आ रहा है। तो डेबिट का टोटल अगर मैं बोलूंगा तो डेबिट का टोटल आ रहा है 7,29,000, 9.5 लाख, तो ऐसे लिख रहा हूं अभी मैं। और क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो कितना आ रहा है, तो क्या मजे की बात है सर, क्रेडिट साइड का टोटल भी 9.5 लाख आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा बैंक का कॉलम है वो मैच हो रहा है, मेरा बैंक का कॉलम मैच हो रहा है। तो सर क्या ये इत्तेफाक है कि बैंक का कॉलम मैच हो रहा है? मतलब अब देखो रटने वाले बच्चे मुझसे क्या बोलेंगे, रटने वाले बच्चे सबसे पहले पूछेंगे अरे सर ये तो बैंक टोटल मैच हो रहा है लेकिन अगर नहीं होता तो क्या करते। तो पहले तो ये देखो, एनालाइज करो कि बैंक का टोटल मैच हो क्यों रहा है। हर चीज के पीछे कुछ रीजन है। मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दोगे, मैं क्वेश्चन की एक लाइन पे आपको फोकस कराना चाहता हूं। तो क्वेश्चन की अगर आप एक लाइन पे फोकस करोगे, क्वेश्चन ने ऊपर बोला था कि हम हमेशा अपने बैंक में हम अपने कैश में 10,000 का बैलेंस रखते हैं, मतलब कैश में हम हमेशा 10,000 रुपए रखते हैं, और जो भी बैलेंस होता है उसको हमेशा हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि मानो मैंने देखा एक दिन, मैंने 31 मार्च 2022 क्लोजिंग डेट पे मैंने अपने पास अपनी जेब में देखा, तो मैंने देखा कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, ऐसी बोल रहा हूं, कितना कैश पड़ा था, 80,000 रुपए का। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कैश में हमेशा 10,000 रुपए रहे, उससे ना 1 रुपए ज्यादा रहे ना 1 रुपए कम रहे। तो मैं कहता हूं जो भी मेरे पास कैश में एक्स्ट्रा बैलेंस बचता है, मेरे पास कितना एक्स्ट्रा बैलेंस बच रहा है, 70,000 का, वो मैं उठा के बैंक में जमा कर देता हूं, वो मैं उठा के बैंक में जमा कर देता हूं। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास कैश में 10,000 ही रहता है। तो क्वेश्चन ने वो ये जानकारी दे रखी थी कि भाई हम कैश में 10,000 रुपए रखते हैं, जो भी बैलेंस बचता है उसको उठा के बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। और क्वेश्चन वाले ने ई पॉइंट में बोल भी रखा था कि हमने 1 लाख रुपए कैश में बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। इसका मतलब यह है बच्चों कि मेरा बैंक का टोटल हमेशा मैच करना ही था, मेरा बैंक का टोटल हमेशा मैच करना ही था, है ना। क्योंकि जितना भी मेरे को सारी जानकारी बैंक की जो भी है सब दे रखी है, बैंक से रिलेटेड सब जानकारी दे रखी है, इंक्लूडिंग कि मैंने कैश कितना बैंक में जमा करा।
अगर इसी सवाल में बैंक में कुछ बैलेंस बचता बच्चों, तो ये वाली जो जानकारी उसने दे रखी थी कि 1 लाख रुपए हमने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट किया है, ये छुपा देता। तो मैं चाहता, अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता तो मैं चाहता कि ये जानकारी आपको क्वेश्चन में ना गिवन होती, तो आप जो बैलेंसिंग फिगर इसमें बचता, अब वो बैलेंसिंग फिगर उठा के क्या मान लेते कि ये कैश है जो बैंक में डिपॉजिट हुआ, क्योंकि सवाल ने कहानी ऐसी बना रखी है कि हम जो भी बैलेंस कैश है वो उठा के बैंक में डिपॉजिट कर देते। पता नहीं आप कितनी गहराई से इस बात को समझ पाए, लेकिन क्योंकि यहां पे ये जो कॉन्ट्रा एंट्री थी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो मैं एक कॉन्ट्रा एंट्री हाईलाइट कर रहा हूं 1 लाख रुपए की, ये क्वेश्चन वाले ने खुद ही उठा के बता दिया था। अगर क्वेश्चन वाला ये ना बताता तो ये वाली जो 1 लाख की फिगर है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बच जाती, और इसको मैं क्वेश्चन की कहानी के हिसाब से क्या मान लेता कि ये कैश डिपॉजिट क्या होगा मैंने बैंक में। तो इस तरह से कहानी जो होती क्वेश्चन की वो समझ के हमें अकॉर्डिंगली लॉजिक लगा के काम करना होता है। अब क्योंकि उसने ये 1 लाख रुपए की जानकारी भी दे दी तो अब कुछ बचा ही नहीं। अब आप देखो ना, कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो इसलिए अब मेरे बैंक में सारा का सारा जो बैलेंस है वो टैली कर गया, ठीक है। वही अगर फिर भी मेरा बैलेंसिंग फिगर मानो यहां बचता तो मैं इसको कैश सेल मान लेता कि भाई ये सेल हो रही होगी इसलिए बच रहा है बैलेंस। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो एनीवे जो भी कहानी हो गई। अब बाकी मैं बैंक का टोटल तो मैंने मैच कर लिया, अब एक बार कैश का कॉलम मैच करना जरा। तो कैश में तो ऑब्वियसली टोटल मैच नहीं कर रहा, तो कैश का डेबिट क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा आ रहा है, तो कितना ज्यादा आ रहा है देख लेते। 1 लाख प्लस 60 प्लस 90 तो ये आ रहा है 2,50,000। तो टोटल आ रहा है 2,50,000। तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो यहां पे बच रहा है, कितना बच रहा है 2,40,000। तो ये क्या फिगर होगी भाई, ये क्या फिगर होगी 2,40,000 की जो यहां पे बैलेंस बच रहा है, ये मेरा कैश सेल होगा। ठीक है, ये मेरा कैश सेल होगा 2,40,000। ये मुझे कैसे पता लगा अगेन, क्योंकि यहां क्वेश्चन ने बोल रखा था भाई, क्वेश्चन ने सरप्लस कैश इफ एनी इज टू बी टेकन एज कैश सेल, क्वेश्चन ने बोल दिया था, तो और यहां कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहां सरप्लस कैश जो भी बच गया वो 2,40,000 का, ये क्या हो गया, ये कैश सेल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन की जानकारी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो कैश सेल भी मुझे पता लग गई, तो डाल देते हैं इसको उठा के यहां पे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कैश सेल मेरी कितनी थी 2,50,000, तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरी टोटल सेल कितनी हो गई 12,50,000। तो अगर मैं अब पहले वर्किंग नोट में देखूं तो मेरा वर्किंग नोट में क्या सब कुछ क्लोज हो गया, नहीं सब क्लोज हो गया, मतलब कैपिटल छूट गया है। तो कैपिटल तो मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है कैपिटल में एक जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है, इसलिए कैपिटल मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी मेरी वर्किंग नोट क्लोज हो गई है। तो अब मैं जरा अपनी एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आता हूं। अगर अब आप नोट करोगे बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसने क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी नहीं दी थी, क्लोजिंग स्टॉक उसने क्वेश्चन मार्क छोड़ रखा था। तो अब मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूंगा। तो एक क्वेश्चन की जानकारी पे वापस से गौर करना, क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट का मार्जिन बता रखा था कि मेरी सेल पे मैं 25% का प्रॉफिट कमाता हूं। क्या अब मुझे टोटल अपनी सेल्स की फिगर पता लग गई है 12,50,000? तो मेरे पास टोटल सेल्स की फिगर आ गई है। तो जब मेरे पास टोटल सेल्स की फिगर आ गई है और मुझे पता है कि अपनी सेल्स का 25% मैं ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं, तो इससे मुझे क्या अपना ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल पता लग जाएगा। तो कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, 12,50,000 की सेल है, इसका 25% मैं ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं। 12,50,000 की सेल का 25% मैं ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,12,500। अच्छा, कैश सेल कितनी बची थी, 2,40,000 बची थी, मैंने शायद 2,50,000 डाल दिया, तो ये 2 लाख
50 नहीं है, 2,40,000 है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसमें, ये 2,40,000 है तो ये 12,40,000 होगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पे 12,40,000 का हम लोग निकालेंगे, तो 12,40,000 का 25% निकालेंगे, तो ये आ रहा है 3,10,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, 3,10,000। तो क्या इसका मतलब, मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अपना बैलेंसिंग फिगर मान सकता हूं यहां पे, क्योंकि अब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो गया है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही मिसिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। तो ये कितनी आ रही है, तो टोटल आ रहा है 13,60,000। इसमें से 12,40,000 चले गए तो बचा 1,20,000, तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो गई, 1,20,000। ठीक है, बिना वक्त गवाए फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक में अपनी बैलेंस शीट में भी डाल देता हूं, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गई 1,20,000। ठीक है, अच्छा अब पीएनएल अकाउंट खत्म कर लें, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, कितना आया था, 3,10,000, तो 3,10,000 का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। और अब मैं अपना पीएनएल अकाउंट क्लोज करने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक हो गया, यस। अब एक पॉइंट था लोन का, क्वेश्चन में लोन था बच्चों, हमने लोन लिया था 1,00,000 रुपए का 10% पर एनम के हिसाब से, जो 1 अक्टूबर को लिया था। तो फटाफट से बताओ इस पे हम लोग कितने महीनों का इंटरेस्ट लगाएंगे, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, इसी पीरियड का इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो एक इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा जो रह गया वो भी तो आएगा पीएनएल में, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, तो 1,00,000 रुपए का लोन है 10% पर एनम के हिसाब से, कितने महीनों के लिए, 6 मंथ के लिए, तो ये आ गया 5,000। कितना आ गया, 5,000। और क्योंकि अभी ये इंटरेस्ट मैंने पे नहीं करा, तो ये मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, 5,000। बात समझ में आ गई, क्योंकि अभी इंटरेस्ट पे तो करा नहीं, देखो कैश, अपना कैशबुक में झांक के देख लेना, कैशबुक में झांक के देख लेना, ना तो हमने कैश में कोई इंटरेस्ट पे किया, ना तो बैंक में पे किया, तो इंटरेस्ट इसका मतलब अभी पे किया ही नहीं हमने, तो इसलिए ये मैं मान लूंगा कि ये मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यस सर। अब मैं अपना पीएनएल अकाउंट भी क्लोज कर सकता हूं, तो टोटल आ रहा है 3,10,000। तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर अब यहां पर बच जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। चलिए तो चेक कर लेते कितना आ रहा है, 3,10,000 में से 1,60,000 - 5, तो ये बच रहा है 1,45,000। और ये हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो आओ बाय नेट प्रॉफिट 1,45,000, तो टोटल आ रहा है 4,45,000। तो 4,45,000 में से 80 चले गए तो बच गए 3,65,000। तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो मैंने यहां जगह छोड़ रखी थी कैपिटल डालने की, तो ये आ गया 3,65,000। चलो तो अब मेरा ये बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, 365,90,105, तो टोटल आ रहा है 5,60,000।
90, 350, 120. यस तो मेरी बैलेंस शीट हो रही है टैली, तो इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको आज के लेक्चर की सारी बातें मेरी समझ आ गई होगी। तो कॉन्सेप्चुअली हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी खत्म हो गया, और इसके अलावा मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना भी सिखा दिया कि कैसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना रह गया है, तो अगले लेक्चर में हम लोग और भी अपनी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको लेक्चर भाई हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा अपने कमेंट में अपनी फीडबैक्स भी प्लीज दे देना, अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कर देना। इसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। चलो।